प्रभसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकारहिं मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नगर में प्रवेश कर श्री रामचंद्र जी के हृदय में स्मरण कर सब कार्य करो। ऐसा करने से विष अमृत के समान, शत्रु मित्र के समान, समुद्र गौ की खुर के समान और अग्नि शीतल हो जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितउ जाहि। अतिलघु रूप धरउ हनुमाना, बैठा नगर बिसुमरि भगवाना। गरुड़ जी भारु सुमेर पर्वत को उसको रेणु के समान हो जाता है, जिसको श्री रामचंद्र कृपा दृष्टि से देखते हैं। तब बहुत छोटा सा रूप धर और भगवान का स्मरण करके हनुमान जी नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां तहां अग्नि तजोधा। गय हूं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। हनुमान जी ने एक एक घर को ढूंढ डाला, जहां तहां अग्नि जोधा देखा। रावण के मंदिर में गए तो वह राज मंदिर बहुत ही विचित्र था, उस जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर बहुना देखी बेदेही। यह हनुमान जी ने रावण को सोते हुए देखा, परंतु उस मंदिर में सीता को नहीं देखा। क्षेपक कथा। सोचे लाग कहाँ अब जाऊं, कह दरस सीता कर पाऊं। वे सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊं और कैसे जानकी का दर्शन करूं। बिन देखे जो सीता जाऊं, कैसे बदन प्रभु दिखराऊं। जामवंत पूछा ही कुशलाता, नीक आही जानकी माता। वो बिना देखे जाऊं तो प्रभु को मुख दिखलाऊंगा। जामवंत जब कुशल पूछेंगे कि उन जानकी अच्छी है, तो क्या उत्तर दूंगा। कवन उतर देहु तनि जाई, पवन तनय मन मही पछिताही। निश्चर घोर भयंकर रहहिं, सीता की सुध कोई न कहहिं। तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। महावीर मन में पछताए, बड़े बड़े घोर राक्षस रहते हैं, उनकी जानकी की सुध नहीं बता सकता। पूछो कहीं कहो कहीं जाई, जनक सुता को देहि बताई। अब किससे जाकर पूछूं, कौन जानकी को बता सकता है। भवन एक पुनि देखि सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। फिर एक भवन देखा जहां हरि मंदिर अलग ही बना हुआ था। रामायुद्ध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखि हरषि कपि राय। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, कबहुँ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात वह राम नाम से अंकित घर ऐसा शोभावान था जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन तुलसी वृक्ष के बहुत से झुंड देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए।